गोहाना में ड्रेन नंबर 8 के पास कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत रही चालक को समय पर पता चल गया और कार में सवार 5 लोग बच गए। गोहाना से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। सवाल कि ये बच्चे, हमारी छोटी बेटी है, उसका पीलिए का सामान लेकर जा रहे थे और बीच में वो जो 4 बच्चे बैठे थे हमारे, तो वो फोन आया कि बोला पापा जी इसका तेल लीक होना रहा है, एक डंडा खत्म हो गया। वो बोला भाई मिस्त्री को फ़ोन करते, बोला मिस्त्री का स्विच ऑफ हुआ है। तो वो वहाँ पुल से, जो ये ड्रेन वाला पुल है, वो पुल से जब वो बोला तुम गाड़ी घर ले आओ, तो जब उसने वो बात करते करते एकदम से उसने कहा पापा जी इसमें आग लग गई। मैं बोला तुम गाड़ी को मतलब छोड़ कर बाहर निकल जाओ, तो ये पीछे ही साइड में यहाँ तक वो गाड़ी को ले गए। उसके बाद ये सारा मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ से वो पलटियाँ पानी लाए, तो उससे आग लग गई। ये पाइप है, ये पाइप छोटा था, ये गाड़ी यहाँ से रोड से उठा के न यहाँ रखी है ये पिछली साइड से, और तब ये मुश्किल से आग बुझाई। 112 पे फ़ोन किया, 112 वाले भी आगे और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तब तक फायर ब्रिगेड वाले आए ना, आधे से ज़्यादा आग बुझ चुकी थी। ठीक है, कितने जने थे इसमें? इसमें 4 बच्चे थे। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे खेड़ी चौक का, हमारी बेटी का रखी है 3 से आगे, तो वहाँ पे जा रहे थे। 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी आगे जा चुकी थी अनाज मंडी के पास, उसी ने फ़ोन किया कि पापा जी देखो उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो मैंने उस बच्चे को जो ड्राइव कर रहा था उसको फ़ोन किया, विनीत नाम है उसका। तो यही एड्रेस नगर के? हम यहाँ विष्णु नगर से हैं, 6 गली नंबर 6 से, एकदम करने हम रहने वाले हैं और विष्णु नंबर 6 में रहते हैं। कोई बहुत सेफ, कोई नुकसान नहीं है, बस गाड़ी का जो नुकसान होता है वो जान माल को बहुत नुकसान है। सारे बच्चे सेफ थे और यहाँ पे सारे कॉलोनी के सभी आगे थे, उन बच्चों को निकाल लिया था, तो उसका सारा बिल्कुल सेफ है। गाड़ी गाड़ी में जो आप दिखाई दे, पुलिस भी टाइम पे आ गई थी और फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आ गई थी, और जब तक ऑलमोस्ट आग को जी हेल्प करवाई हमारी, दोनों को आग को ये कवर कर लिया। ठीक, क्या नाम है जी? मेरा नाम सप्तम है।